आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सोते हुए अगर अचानक जाग जाते हैं तो अपने शरीर को हिला नहीं पाते हैं? अगर ऐसा है तो आप स्लीप पैरालिसिस यानी कि इसे नींद का लकवा भी कहा जाता है, इसके शिकार हैं। जी हाँ, आधी रात को अचानक आपकी नींद खुलती है, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मौजूद है। आप हिलने डुलने की कोशिश करते हैं लेकिन शरीर का कोई भी अंग हिला नहीं पाते हैं। आपको डर लगता है, आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज ही नहीं निकलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको कसकर बांध रखा हो या आप जकड़े जमीन में गड़े हुए हों और आपका शरीर का कोई भी अंग, हाथ, पैर, जबान, कुछ भी काम नहीं करती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्लीप पैरालिसिस या फिर नींद में लकवा मारना। स्लीप पैरालिसिस जो नींद और जगाने के बीच की अवस्था है जिसमें आपको लकवा मारने जैसा एहसास होता है, ऐसा कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक हो सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। स्लीप पैरालिसिस की जो स्थिति होती है वो आपके बुरे सपनों का एहसास करवाती है। ऐसी स्थिति में आपको महसूस होता है कि आपकी छाती को किसी ने जकड़ के रखा हुआ है और इसी स्थिति को नाइट हग भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्यों है? ये सभी लक्षण जो होते हैं वो नींद की जड़ता यानी कि इनर्शिया के कारण होते हैं। नींद में शामिल शारीरिक तंत्र इससे प्रभावित होते हैं कि आप जाग चुके हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं या जिंदगी के बुरे अनुभवों से गुजर रहे हैं तो आपके स्लीप पैरालिसिस से गुजरने की ज्यादा आशंका होती है, जैसे कि PTSD वाले लोग, जिसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ये लोग स्लीप पैरालिसिस से ज्यादा गुजरते हैं, यानी कि इन्हें स्लीप पैरालिसिस ज्यादा देखने को मिलता है। हर 10 में से 4 लोगों को स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। ये कंडीशन आमतौर पर सबसे पहले किशोरावस्था में महसूस होती है लेकिन ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि स्लीप पैरालिसिस डरावना जरूर है, यानी कि आपको इससे डर जरूर लगेगा लेकिन ये जानलेवा नहीं है। यह आपको परेशान कर सकता है मानसिक रूप से, लेकिन इसके लिए आपको इलाज करवाना भी चाहिए। स्लीप पैरालिसिस कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ स्लीप पैटर्न में असंतुलन की वजह से होता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि स्लीप पैरालिसिस खतरनाक नहीं है लेकिन लंबे समय तक रहने पर यह नुकसानदायक हो सकता है। अगर इसे नियंत्रित करना है तो आपको गहरी नींद और आरामदायक दिमाग से सोना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का तनाव, डिप्रेशन और स्ट्रेस अगर आपके अंदर है तो इसकी शिकायत और समस्या आपके पास हमेशा रहेगी। इसलिए तनाव और डिप्रेशन से बचें और कोशिश करें कि जितना खुश रह सकें उतना ज्यादा आप खुश रहें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किए बगैर सोने से आपको ज्यादा अच्छी नींद आएगी और आप इसकी परेशानी से बचे भी रहेंगे। अगर आप स्लीप पैरालिसिस से बचना और चाहते हैं तो मेडिटेशन करें कम से कम 5 से 10 मिनट, और अगर ज्यादा शिकायत है तो आधे घंटे तक मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आप अगर रोजाना मेडिटेशन करेंगे तो ये स्लीप पैरालिसिस से खतरा जो है आपको, या आपको इसकी बीमारी है तो इससे उभर जाएंगे। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।